गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? नैन्सी, अपर्णा, वैष्णवी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, तब तक आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं था क्या? चलो, कभी भी वो तुमको किसी भी गूगल पेज में कभी भी ढंग से नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी, नहीं मिलेगा। ठीक है, मिल सकता है, बहुत लोग बहुत सारा कलेक्शन करके पीडीएफ बना के डालते हैं, बहुत वो रेयरली मिलेगा, वो किसी का बनाया हुआ ही मिलेगा, ऐसे जो आप देखते हैं ना वो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जो न्यू टेक्नोलॉजी है, नया जनरल सप्लाई, तो वो अब आपको हर जगह हार्ड कॉपी मिलेगा नहीं, और वो ला ही नहीं सकते, वो आप नहीं कलेक्ट कर सकते, ऑप्शन नहीं आपके पास। उस केस में आपको गूगल का हेल्प लेना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। सब में मांगोगे तो सब में हेल्प ले रहे हो, तो फिर तो हमको चाहिए। हाँ, उसमें मिल जाएगा, उससे रिलेटेड टर्म्स एक है। अब दोनों को जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन, देखो आप लोग पढ़े होता ना, प्रॉब्लम ऑन एज पढ़े बताए थे हम, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स बताए थे, प्रॉब्लम ऑन रेशियो बताए थे, ठीक है, तीनों अलग अलग पढ़े हो। लेकिन जब तुम तीनों पढ़ लिए हो अलग अलग, तो तीनों को एक जगह मर्ज करके रेशियो वाला टर्म कैसे नंबर में चला जाए, नंबर वाला कैसे इसमें आ जाए, ये आपको कहाँ से गूगल में मिलने वाला है? कोई स्पेसिफिक टीचर अगर बता रहा है, उस चीज को डिस्कस कर रहा है, तो वो मिल सकता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर मिलेगा। ठीक है, वो इंटरमिक्स टर्म्स नहीं मिलेंगे। वो किसी का रिसर्च किया हुआ हो, किसी का अपना नोट्स बनाया हुआ हो, तब मिल सकता है, ऐसे नहीं मिलेगा। चलो छोड़ो, किसी को था क्वेश्चन? हाँ बताओ, क्वेश्चन बनाई हो ना, पूछना भी है कुछ? कहा था 45 तक बना ली? ओके, जानकारी कलेक्ट करिए जितना करना है, लेकिन फिर उसको अपने फॉर्म में जरूर लाइए, नहीं तो फिर बहुत बार गूगल धोखा दे देता है, जैसे तुम अभी बता ही रहे हो। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 तक हो चुका है, अराउंड 40 तो हम भी लगता है बताए ही थे, 36 तक बताए थे। हाँ ठीक है, चलो स्क्रीन विजिबल है सबको, आप लोगों को कहाँ है? नहीं, काम करता था ये, बहुत दिन से खराब है मैंने। नहीं, बहुत दिन से खराब है, नवंबर तक सुन दिए हैं, बीच से हटा है, इधर से क्लास हो ही नहीं रहा था। चलो ठीक है, देखो इधर, अब यहाँ पे देखो, बाकी सारा टर्म तो पढ़ा हुआ दिख रहा है, 36 तक तो बनाए थे लास्ट क्लास में, 37 में देखो बस हम डील कर रहे हैं, कैसे समझ में आ रहा है या नहीं बताना। ए और बी हैव टुगेदर 1210 रुपीज, ठीक है, 415, ए 415 ऑफ एज अमाउंट, ए का जो भी अमाउंट है, ए जो भी है, कुछ फिक्स है उसके पास पैसा, उसका 4/15 जो है वो 2/5 ऑफ बी के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं 4/15 इंटू ए इज इक्वल टू 2/5 इंटू बी, लिखा जा सकता है। तो अगर आप ए और बी का रेशियो निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बताया कि कुछ नहीं पूछा जा रहा है, हाउ मच अमाउंट डज बी हैव, बी के पास कितना पैसा है, टोटल सम इतना दिया हुआ है, तो आप ए और बी के टर्म में एक्सप्रेस करके रिजल्ट निकाल सकते हो। जैसे मान लो निकल जाएगा, देखो जरा, ए प्लस बी मतलब दो पर्सन है, पहला ए है,
सेकंड पोर्शन इज बी, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1210 है ना, 1210 ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, ए का 4/15 दैट मीन्स 4/15 ऑफ ए, तो ऐसे सिंपली लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। 4/15 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी, ठीक है लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 4/15 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/15 ऑफ मतलब 2/5 ऑफ बी। अब इसमें किसी एक को दूसरे टर्म में रिप्रेजेंट कर लो, अगर ए को हम ए रख रहने दे और बी को इस वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दे, कर सकते हैं, या फिर बी को बी रहने दे और ए को इस टर्म से रिप्लेस कर दे, इस तरह से किया जा सकता है। ए का वैल्यू निकालना है, अब देखो क्या कर रहे हैं हम, ए का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना क्या है, बी का वैल्यू, तो बी को हम ए के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप, बी इज इक्वल टू निकालो, ये बी का वैल्यू है तो ये सारा टर्म इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 4/15, 4/15 पहले से है, ए यहाँ पे पहले से है, ठीक है, ये टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में इधर तो आएगा डिवीजन में, और डिवीजन में आएगा तो उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, मतलब 5/2, तो 2 से कैंसिल करोगे इधर 2, और 5 से इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर दोगे 3, तो आपके पास क्या बचा 2/3 ऑफ ए, दैट मीन्स ए प्लस, ए को ए ही लिख रहे हैं इस इक्वेशन के हिसाब से, प्लस बी को लिख देंगे क्या 2/3 ए, सो 2/3 ए, और इन दोनों को जब जोड़ रहे हो क्योंकि ये वैल्यू अब बी आ गया है, तो इसको जब जोड़िएगा तो आ कितना जाएगा 1210 जो क्वेश्चन में था। अब यहां से आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिलेगा, एलसीएम 3 हो जाएगा यहाँ पे, 3a प्लस 2a मतलब 5a, डायरेक्टली हम यहाँ लिख दें 5a इज इक्वल टू 1210, तो 1210 ये है, और a का वैल्यू निकालना है तो आ जाएगा आपके पास, ये तो हम इधर लेके आ जाइए 1210, यहाँ डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है 5/3, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 3/5, 726 आएगा मैम, कितना आ रहा है 2 ऑफ ए, लेकिन आपको चाहिए क्या बी का वैल्यू, तो 242 को घटा लीजिए 1210 में, है ना, ये ए का वैल्यू आया है जो लास्ट में भी हम लोग लिखे हैं, ये क्या आया है ए का वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है बी का वैल्यू, तो इसमें से घटा लो इसको, कितना आ रहा है मैम 242 × 3 ना होगा मैम, उसके बाद में एक में, हाँ 242 × 3 भी हो जाएगा ना, यहाँ 3 मल्टीपल है, ठीक है, तो वो वैल्यू यही हो जाएगा, हाँ ये ओवरऑल जो आएगा ये वैल्यू, इसको मल्टीपल डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से तो आ जाएगा, तो अल्टीमेटली बी का वैल्यू क्या आ रहा है 2 × 3 = 6 और इसको 40 120 + 6 मतलब 726 ये हो जाएगा, तो 726 इज द वैल्यू ऑफ ए, और इसको घटा दीजिए 1210 में से तो बी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है 484 बी का वैल्यू 484, हाँ तो 484 इज द वैल्यू ऑफ, लिख दिया आपका ये आ गया, तो देखो ऑप्शन क्या है 484 है, ऑप्शन बी है, ठीक है, बस यही था क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन को क्या किया गया है, रिलेटिव इन्फॉर्मेशन दे दिया है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके टर्म में दूसरे को रिप्रेजेंट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसको समझो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, सीट्स ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन आर स्कूल आर 5:10, 11:8, ठीक है, मैथ फिजिक्स और बायो का जो सीट है किसी स्कूल में वो 5:7:8 के रेशियो में है, मतलब मैथमेटिक्स का 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, फिजिक्स का 7x और बायोलॉजी का 8x। अब यहाँ पे
आया है एक प्रपोजल, देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज द सीट्स बाय 40%, 50% एंड 75%. तो तीनों को सीट को इंक्रीज करने का आया है. 40% का इंक्रीमेंट होना चाहिए मैथमेटिक्स में, 50% सीक्वेंस में दिया है तो हमेशा रिस्पेक्टिवली वर्ड है, मतलब ऑर्डर्ड वे में है. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट, जो सीट इंक्रीज होगा वो क्या होगा उसका रेशियो बताना है. अब इस क्वेश्चन को कभी भी कोई नंबर करके सॉल्व करिएगा तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लगेगा, बहुत ही ज्यादा. तो यहाँ पे दो इंटरमिक्स कॉन्सेप्ट है. हाँ बोलो, इसका वैल्यू हाँ निकालो ना, वैसे निकालोगे तो फिर इंक्रीमेंट, हाँ वही चीज बोलना चाह रहे हैं कि इंक्रीमेंट यहाँ जो कर रहा है वो इंक्रीमेंट परसेंटेज में दे रहा है. तो अब यहाँ पे जो यही चीज बताना चाह रहे हैं कि हर जगह रिलेटिव टर्म मिल जाए तो सबसे अच्छा ध्यान रखिए करना क्या है. जैसे इंक्रीमेंट वर्ड आता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस वाला कॉन्सेप्ट समझ लो आ जा रहा है. दूसरा परसेंटेज बोल दिया तो हंड्रेड, परसेंटेज और हंड्रेड और प्रॉफिट, ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर मिला लीजिए तो ये मान के चलो कि पहले रेशियो लिख लो 578 क्या था, सही है ना 578. हमेशा x कभी भी रेशियो से x मल्टीपल होता है क्योंकि x का मल्टीपल होगा कॉमन फैक्टर तभी आएगा वो नंबर. ये ले सकते हो. इसमें एक और टर्म आप इंक्लूड कर लीजिए अपने हिसाब से परसेंटेज में. मान लो शुरू में जो सीट था वो 100 था, क्योंकि जो सीट था वो 100% सीट था. इंक्रीमेंट बोल रहा है कितना, 40% का ए में, तो 40 इंक्रीमेंट हुआ, प्लस कर दो 40. पहले इसका भी सीट था, जो सीट था उसको 100% ले लो. इंक्रीमेंट कितना है 50%, तो 50 ऐड कर दीजिए अगेन इसमें. नेक्स्ट टर्म क्या बोल रहा है, 100 रहेगा बेसिक, इंक्रीमेंट कितना है 75%, तो प्लस 75 कर दो. 75% ऐड करने बोल रहा है, मतलब हर जगह परसेंटेज वाला है, 75 बाय डिवाइडेड बाय ये टर्म आ जाएगा. तो इसको लिखा जा सकता है इस पूरे टर्म को कितना 140, और 140 इंक्रीमेंट हुआ है जो कि पहले कितना था 100. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर परसेंटेज में है तो 100 डिविजन में होगा ही, ठीक है दिस टर्म. उसके बाद दूसरा रेशियो जो है वो लिख लीजिए, रेशियो का साइन अगेन 150 डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज पहले 100 था. नेक्स्ट टर्म में आ जाओ, ये ऐड कर लोगे तो 175 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. अब यही परसेंटेज इंक्रीमेंट है, सब में 100 है तो हटा भी सकते हैं, नहीं भी लिखते तो चल जाता, लेकिन अभी भी हटा सकते हो. सब देखो 5 का मल्टीपल है तो सबको 5 से पहले तो इसको हटा ही दो, ये तो हम 100 100 वाला पोर्शन सबको 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, सबरा ही नंबर 5 का मल्टीपल है ना. तो अब सबको डिवाइड करो क्या आएगा, तो 5 से जब इसको करिएगा तो क्या आ जाता है, देखिए जरा 7/5 मैम, 7/5 पूरा नंबर, ठीक है आगे 7/5 उसको ऐसे भी लिख लो, चलो ठीक ही है 7/5. उसके बाद मैम 3/2 कर, अच्छा ऐसे वैसे लिख रहे हो तो वैसे भी लिखो, ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं ना 0 0, ये हटा देंगे तो पहले वाला सीट क्या इनटू 5x करते. हाँ ठीक है, नहीं ऐड करने का जरूरत नहीं है, रेशियो पूछ रहा है ना तो नंबर ऑफ सीट नहीं चाहिए. देखो इसका नंबर जो भी है नंबर को मल्टीप्लाई कर लो ना, इसमें 5x, पहले 5 था, पहले 5x था इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ये पहले कितना था इसी के रेशियो में इंक्रीमेंट हो रहा है वो इसी रेशियो में ही जा रहा है ना, तो इसमें सब में उसका नंबर डाल दीजिए. कहाँ चला गया,
तो इसमें इसमें सब में उसका मल्टीपल मल्टीप्लाई कर दो, सिंपलीफाई करो, आ जाएगा आंसर। बताओ क्या रहा है। सिंपलीफाई करने के बाद ट्वेंटी हो जाएगा। ट्वेंटी से इसको करोगे तो सेवेंटी आ रहा है। फर्स्ट टर्म सेवेंटी सेवन फाइव ट्वेंटी, ऐसा ठीक है। हाँ लेकिन ऐसे कैसे होगा, फाइव एक्स है ना, फाइव से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वेंटी आ जाएगा। ट्वेंटी से इसको करोगे तो कितना आएगा, सेवन मैम, सेवन सेवन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में आ जाइए। सेवन है, ये है, क्या है, जीरो जीरो तो ऐसे ही हटा दो। तीन और ट्वेंटी वन बाई टू एक्स। ठीक है, अगेन नेक्स्ट टर्म, ये हंड्रेड था, फोर्टी वन फोर्टी वन फोर एट फोर्टीन एक्स। ठीक है, अब ये टर्म आ गया तो सिर्फ आपके पास एक ही डिनोमिनेटर है, ये मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, हो गया। बट इसको इंक्रीमेंट में आप क्या करना है, हंड्रेड हंड्रेड मान के चलिए, जो कि आप सीखे हुए हैं, तो इसको यूज करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब उसमें मान लो कि इतना हो रहा है, इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पता चला सॉल्व ही करते रहेंगे। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, टू इंटू थ्री इंटू फोर। ठीक है, टू इंटू थ्री इंटू फोर। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन 42 है, वो आप लोग बना के देखिए। तो जरा द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 7:8। इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है, करके देखो तो सब लोग। रंजन कुमार, कौन सा बताओ लास्ट में, इस क्वेश्चन में अभी वाला जो पूछ रहे हैं, जो अभी बनाए हो वैसे ही तो है। हाँ 41 है आंसर, क्वेश्चन नंबर 41 का लास्ट पूछ रहे हो सेक्शन, तो बनाए कैसे, कैलकुलेशन कैसे किए, सिंपलीफाई है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बेस है ना, एक फ्रैक्शन में है, बाकी लोग नंबर्स में है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करके रिमूव कर दोगे। हाँ बस कुछ नहीं, जो आएगा नंबर वही होगा, ये नंबर से हट जाएगा डिनोमिनेटर वाला। सिंपली ये करना है कि सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, समझ गए, सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे सबको, तो क्या हो जाएगा, बाकी बढ़ जाएगा, इसका घट जाएगा। ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, शुरू वाले में तो ज्यादा नंबर भी था, इसमें तो कमी है, और इंक्रीमेंट भी, ऑप्शन सी 17:18 का रेशियो है, 21:22 सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया क्या है, किसी का नहीं भी बना है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए जरा, द सम ऑफ मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी
इन द प्रपोर्शन ऑफ 5:2:4:3 इफ सी गेट्स 1000 मोर देन डी व्हाट इज बी शेयर द सम ऑफ मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एबीसीडी इज इन प्रपोर्शनल मतलब अमाउंट कितना है वो नहीं दिया हुआ है एग्जैक्ट अमाउंट चारों का सम नहीं दिया हुआ है ना लेकिन रेशियो दे दिया है 5:2:4:3 और ये दिया है इंफॉर्मेशन सी गेट्स 1000 मोर देन डी मतलब सी और डी का जो डिफरेंस है दैट इज 1000 है ना तो फिर बी का शेयर क्या होगा 2000 ठीक है समझ में आया क्या है देखो जरा तुम ध्यान दे रहे हो खाली बस मंदिर इधर उधर कर रहे हो क्या कर रहे हो अलग ही रिसर्च में लगे हो तो इधर आ जाओ तो फर्स्ट पेज पे हम देखते हैं तुम क्या कौन सा रिसर्च कर रहे हो क्वेश्चन नंबर देखो तो जरा 43 पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा उसी से सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बस आंसर मिल गया ऑनलाइन में कोई बता सकता है रंजन मोहित शिवम दिव्यांशु वैष्णवी संगीता सबका हम अटेंडेंस टाइप करेंगे रुको मैं बताता हूं यस मैम बहुत गायब गायब रहना बताओ ऑप्शन 43 हाँ मोहित बताइए जरा 43 का आंसर होगा मिल गया आंसर तुमको नहीं मिला कुछ ज्यादा ही डीप रिसर्च कर रहे हो पता है मुझे देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना द सम ऑफ मनी बोल दिया है बट एग्जैक्टली कितना मनी है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं बताया है साथ में प्रपोर्शन दे दिया है 5:2:4:3 ठीक है 5:2:4:3 और सी और डी मतलब एबीसीडी रिस्पेक्टिव वे में है तो 5x जो रेशियो होगा वो कितना होगा ए का 2x बी का 4x सी का और डी 3x डी का साथ में दे दिया है सी गेट्स 1000 मोर देन डी तो इन दोनों के रेशियो को घटाओ 4x - 3x = 1000 4x - 3x क्या होगा x तो x इज इक्वल टू 1000 और x अगर 1000 है तो b का टर्म क्या है रेशियो में देखो 2 तो 2 इंटू x 2 इंटू 1000 2000 सिर्फ सवाल पढ़ना था कुछ नहीं करना था यहाँ पे है ना तो तुमको पता नहीं डीप रिसर्च क्या ही कर रहे थे इतना डीप रिसर्च करिए कि कुछ पता ही नहीं चला समझ गए शुक्र है चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए द रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ ए एंड बी इज 4:7 ए और बी सपोज मान लो जॉब लग गया तुमको और तुम्हारे फ्रेंड को जो अर्निंग रेशियो है वो 4:3 है अब इसमें जिसका ज्यादा रखना चाहो रख लो 4x 3x ठीक है सॉरी 4x 7x इसके बाद ऑप्शन दे रहा है इफ द अर्निंग ऑफ ए जिसका सैलरी कम था ए 4x वो इंक्रीज कर जा रहा है 50% दूसरे की सैलरी है वो डिक्रीज कर जा रही है बाय 25% मतलब एक हाँ तो इसमें ऐड करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नया रेशियो है वो भी दे दिया है दैट इज 8:7 तो सैलरी क्या होगी ए की अर्निंग क्या है नहीं पता चल रहेगा एक्स का वैल्यू नहीं निकल पा रहा है करके देखो निकल जाएगा तो भी निकाल के देखो नहीं निकलेगा तो ट्राई करते रहो
ठीक है बताइए जरा मुझे। अंकित जिन लोगों को भी ऑनलाइन क्लास करनी है ना अपना कैमरा ऑन रखे, जिनको भी ऑनलाइन क्लास करनी है कैमरा ऑन रखो, अदरवाइज ऑनलाइन अटेंडेंस भी नहीं मिलने वाला है। यस मैम। अदरवाइज कॉलेज आ जाइए, ओके मैम। देखा हुआ है मैम, कॉलेज आते आते कॉलेज खत्म हो जाएगा ना, गांव में है तो फिर कैमरा ऑन करने का ऑप्शन है। चलो सॉल्व कर रही हो दिव्यांशु, पल्लवी, अपर्णा, दिख तो रहा है कि पढ़ने के मूड में है, पता नहीं। सॉल्यूशन है तो दिखाइए जरा मुझे कॉपी। मैम बनाए तो चलो बताओ क्या होगा आंसर, आंसर कौन सा है, आंसर कैसे डिसाइड करें, सॉल्व करके डिसाइड करें। अभी जज ने बताया उसी के बेसिस पे तो बनेगा, इंक्रीमेंट हो रहा है 50%, तो पहले 100 मान लो, 100 को 150 कर दो, डिक्रीज कर रहे थे तो 75 हो जाएगा, 25% इंक्रीमेंट, 100 था 75 हो गया, इनटू 4 कर दीजिए तो 7 कर दीजिए, रिजल्ट है वो रेशियो में है, इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, डेटा इनएडिक्वेट है बिकॉज नंबर इज नॉट देयर, एक्स इज वी आर अनेबल टू फाइंड एक्स। देखो रेशियो क्या है, 4:7, स्क्रीन देखिए, 4:7 रेशियो है, नंबर्स आर लाइक 4x और 7x, ये होगा ठीक है। अब इसके बाद ऑप्शन में क्या दे रहा है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है 50%, सो 150/100 इंटू 4x, साथ में दूसरे वाले टर्म में आ जाओ, क्या है 7x हो जाएगा इंटू, डिक्रीमेंट हो रहा है तो 75, 25 घट रहा था ना, दिस डिवाइडेड बाय 100, तो अब 100 वाले को तो ऐसे भी हम लोग कम लिख सकते हैं, डायरेक्टली हटा सकते हैं, बट हम नहीं हटाए थे कैलकुलेशन, 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो भी आएगा क्या आएगा देखिए आपको, 3 2 3 2 ठीक है, तो 6x ये हो गया, और इधर आ जाओगे क्या रहा है 7 3/4 21/4, अब ये जो भी आ रहा है ये खुद रेशियो आ रहा है, और किसी भी सैलरी को पता करना, सैलरी या फिर अमाउंट पता करना, नंबर पता करना होता है, तो नंबर पता करने के लिए हमें ये एक्स जानना बहुत ही जरूरी है, विदाउट दिस एक्स हम लोग वैल्यूज नहीं बता सकते एग्जैक्टली, और वैसे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो इसके बाद का इन्फॉर्मेशन दिया है, नया रेशियो 8/7 है, लेकिन इससे कहीं भी कोई कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करोगे, इसको डिवाइड करोगे, इससे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, अब एक्स का कोई टर्म ही नहीं बच रहा है, एक्स का जब टर्म ही नहीं बच रहा है तो एक्स को निकाला ही नहीं जा सकता है, और जब एक्स नहीं मिलेगा तो आंसर नहीं आएगा, अमाउंट नहीं आएगा, तो आंसर नहीं आएगा इसका, तो इस केस में आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डेटा इज नॉट सफिशियंट, या फिर डेटा इनएडिक्वेट का ऑप्शन है, हाँ तो क्या ऑप्शन है ना यहाँ पे दी दिया है ना डेटा इनएडिक्वेट ऑप्शन, और मार्कशीट पे भी ऑप्शन होते हैं, अगर सॉल्यूशन ये है तो सॉल्यूशन होगा ना, डेटा इनएडिक्वेट, डेटा नॉट सफिशियंट, इस तरह का ऑप्शन दिया जाएगा, तो इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता, कांट बी कैलकुलेटेड, ये भी ऑप्शन कभी कभी देता है, तो ये टर्म भी होगा ठीक है, रिमाइंडर में भी प्रोपोर्शनल। अब जरा देखो इधर क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ो तो तुझे थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा मुझे ध्यान से पढ़ के बताइए तो बनने का चांस है या नहीं है, क्वेश्चन नंबर क्या कहा है मैंने, ध्यान से सुन लियो ना, 46। यस मैम।
हाँ बताइए जरा मुझे क्या होगा। कोई लीस्ट नंबर मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको आपको सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम ईच नंबर। फ्रॉम ईच नंबर मींस जो भी है 14, 17, 34 एंड 42 जो भी है, सो दैट द रिमाइंडर मे बी प्रोपोर्शनल। जो रिमाइंडर है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब क्या घटाया जाए कि जो बचे वो आपस में प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल मीन्स बाकी का क्वेश्चन सब प्रोपोर्शनल ही था। कैसे करेंगे? कुछ घटा के अपने मन से देख लेंगे। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो ट्रेडिशनल मेथड से जाओ जो सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए आपको करते हैं सॉल्व करने के लिए वो करिए। दूसरा ऑप्शन है जो ऑप्शन दिया है 0, 1, 2, 7 इसको अप्लाई करके घटा के देख लो, जिसमें रेशियो में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर नहीं होगा। मतलब चार ऑप्शन है, कोई एक तो जरूर होगा है, लेकिन आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। जीरो वाला ऑप्शन है तो जीरो ऐसे ही रिमूव हो गया, ये प्रोपोर्शनल है या नहीं चेक कर लीजिए। दूसरा टर्म 1 है वो देख लीजिए प्रोपोर्शनल है या नहीं, 2 है वो देख लीजिए प्रोपोर्शनल है या नहीं। यहाँ पे आपको एक सिंपल दिख रहा होगा 17 है और 34, तो 17 से 34 दो बार में कैंसिल हो जा रहा है, तो प्रोपोर्शनल टर्म तो वो है नहीं। जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, अगर होता तो 1 वाला ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना है। तो नंबर्स इसको इस तरीके से बनाओ या फिर पूरा तरीका अप्लाई करो, एक एक नंबर घटाओ। तो प्रोपोर्शनल है, चार नंबर है, तो प्रोपोर्शनल इस तरह से बनाया जाता है। प्रोपोर्शनल टर्म पढ़े होंगे शुरू में मैंने जब बताया था, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इस तरह से लेके चलना है आपको। ठीक है, इसी को प्रोपोर्शनल बोला जाता है। तो पहला नंबर क्या है बताओ जरा मुझे, 14। तो 14 माइनस सॉरी 14 बाई 17, नेक्स्ट टर्म 34, लास्ट टर्म 42, 43। ठीक है 42 है। ठीक है, अब इसमें से बोला गया है ऑप्शन में कि क्या सबसे कम नंबर घटाया जाए, तो कोई एक कांस्टेंट नंबर ले लीजिए जो आप इससे भी घटा रहे हैं, जो आप इससे भी घटा रहे हैं और जो आप इससे भी घटा रहे हैं और लास्ट नंबर इससे भी घटा रहे हैं, तभी ऐसा वैल्यू आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक्स का वैल्यू निकालो, जो एक्स का वैल्यू हो जाएगा वही आंसर है। ये पूरा तरीका है, प्रॉपर तरीका यही है सॉल्व करने का। ठीक है, तरीका ये है सॉल्व करने का। दूसरा ऑप्शन वही था, हीट एंड ट्रायल मेथड जिसको आप बोल सकते हैं। ऑप्शंस पुट करके चेक कर लीजिए, जिसके लिए मिल जाए वो आंसर सही है, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर देखना पड़ेगा दूसरा तरीका। वैसे ऑप्शन अगर है और करेक्ट ऑप्शन होगा ही अवेलेबल, इन दैट केस आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फिर से सबका कैमरा बंद हो गया। 14 माइनस एक्स इंटू 42 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स इंटू एक्स 34 माइनस एक्स। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करने में यही है, आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पूरा करोगी, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी, सिंप्लीफाई करोगी तब आंसर आएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा है, या फिर ये भी करो इतना करने के बाद एक तरीका और शॉर्टकट है जो ज्यादा प्रैक्टिकल है, इतना बना लो। ठीक है, ये बना लो, अब ऑप्शन के हिसाब से 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज पुट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, पहले तो शुरू में कर लीजिए। तो 0 हटाने का मतलब है जो नंबर है वही है, तो वो प्रोपोर्शनल तो है नहीं, यहाँ 14 है, यहाँ 17 है, यहाँ 34 है, यहाँ 42 है, नहीं आ रहा है। ठीक है, 0 घटाओगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट में जाओ, 1 घटा रहे हैं तो 114 में से घटाइएगा तो 13 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर इधर आइए तो ये भी प्रोपोर्शनल नहीं मिलेगा आपको, 33 मिल जाएगा यहाँ पे और ये टर्म मिल जाएगा 40। तो 33 और 40 में कुछ प्रोपोर्शनल टर्म तो दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट में आ जाओ, 2 घटाओ
तो टू घटाओगे तो क्या जाएगा, 14 माइनस 2 दैट इज कितना 12, और 17 में से 2 घटाइए कितना जाएगा 15। इधर आ जाइए अपोजिट में 34 में से घटाइएगा तो 32, 2 घटाइएगा तो 32, और इधर घटाइएगा तो क्या जाएगा 42 में से 2 40 आ जाएगा, ठीक है ना। अब घटा के और इसको सिंप्लीफाई करो, ये 12 है क्या, 5 से कैंसिल कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर सकते हो, जैसे जैसे कैंसिल करोगे करते चले जाओ। 4 का मल्टीपल ये भी है, 4 का मल्टीपल ये भी है, 12 का मल्टीपल ये है, ठीक है। प्रोपोर्शनल है या नहीं बस यही चेक करना है, रिमाइंडर प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बात खत्म, नहीं तो ये पूरा सिंप्लीफाई करो तो एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा बिना किसी डाउट के। लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि क्या करना है, किस तरह से करना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पूरा ही सिंप्लीफिकेशन करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर सिंप्लीफाई करके तब निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत लेंदी मेथड है, लेकिन जिसको आता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो हम लोग शुरू में प्रॉब्लम ऑन नंबर्स बनाए थे याद है, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था ना, याद है। देखो ध्यान, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होता है तो ये जो आएगा रिजल्ट, क्योंकि x इंटू x आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। मैम आंसर क्या, आंसर इज 2। प्रोपोर्शनल आ जाता है, सिंप्लीफाई करो, 3 से कैंसिल करोगे ना तो ये आ जाएगा क्या 4, और 4/5 ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको भी करो, आपको करना है 4/5, 4 से करिएगा तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा तो मतलब 8 से करिएगा तो 8 4 जा 32, और 8 5 जा 40, तो 4/5 इधर भी आ गया, 4/5 इधर भी आ गया, तो प्रोपोर्शनल हो गया ना, सेम हो गया ना नंबर, इसलिए 2 आएगा। x माइनस 2 किया तो इधर भी 4/5 आ रहा है, इधर भी 4/5 आ रहा है, दोनों ही 4/5 आ रहा है, इसलिए 2 आंसर होगा, ठीक है। यही हुआ प्रोपोर्शनल का मतलब, जिसको आप ये पूरा एक्सप्रेशन निकालने के बाद बनाते। तो कभी भी ये मेथड एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में, अगर लास्ट ऑप्शन ये होता है कि आप इसके थ्रू जाइए, अगर पहले से ऐसे बन जाता है ऑप्शन हिट एंड ट्रायल मेथड वाला, जो सिंपल मेथड है, सिंपल 1 2 3 4, तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टर्म नहीं ना आ रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू ज्यादा है नहीं, कैलकुलेटिव नहीं है, तो उसको सॉल्व करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको टाइम भी तो देखना है एग्जाम में, ठीक है, क्लियर है ये, हटा दे। चलो इसको तो नहीं बनाना, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 49 50, ये 48 49 50, तीनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस वर्ड जो इस्तेमाल किया है वो ध्यान देना। फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पेज पे चले जाओ, जहां हम अभी ला रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाएगा। देखिए जब आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो a by b is equal to c by d, और d ही फोर्थ प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जहां फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए किसी भी क्वेश्चन में देगा, वहां शुरू पे का a b c दिया हुआ रहेगा, तो आपको d निकालना है, निकल जाएगा और बहुत आराम से निकल जाएगा। इक्वेट किया हुआ है, a by b कर लो, c by d कर लो, d निकाल लो, खत्म। थर्ड प्रोपोर्शनल a by b is equal to b by c इक्वेट करना है, देख लेना इसमें, यहाँ ए बी सी डी चार आ रहा है, यहाँ पे ए बी और बी सी आ रहा है, ए बाई बी और बी बाई सी आ रहा है, तब थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया है। और मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा तो भी अंडर रूट ए बी करोगे या इसी इक्वेशन से बनाओगे तो आ जाएगा ए बी बाई बी सी, इसी से बी मिसिंग है। थर्ड प्रोपोर्शनल में अगर बी मिसिंग होगा तो वो मीन प्रोपोर्शनल हो जाता है, और सी मिसिंग है तो वो थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाता है। समझ रहे क्या है, करके देखो, a by b, b by c, अगर b मिसिंग है तो मीन प्रोपोर्शनल, c मिसिंग है तो थर्ड प्रोपोर्शनल, और फोर्थ मिसिंग है तो
फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, यही चीज है। और तीनों सीक्वेंस में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए तीनों को ही सॉल्व करो जरा जल्दी से। एक्सप्रेशन पता चल गया है, मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। द मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल पहले बनाओ, थर्ड प्रोपोर्शनल बनाओ, फिर भी मीन प्रोपोर्शनल बनाना। पहले ऑप्शन 48 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 48। हाँ 24 आ रहा है, 5/8, 5/8 इज इक्वल टू 15/x, सही ना? तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 24। बनाओ बनाओ, तुम भी सॉल्व करो, थोड़ा कलम कॉपी इस्तेमाल कर लो, देखने के लिए तो नहीं आया है ना। 48 का 24, ठीक है, बन गया, वही था फोर्थ प्रोपोर्शनल, खत्म, इतना ही करना होता है। 5/8 और 15/x, तो x का वैल्यू निकाल लो और इक्वल टू डाल देना है बीच में। थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल लो, थर्ड प्रोपोर्शनल में मतलब समझिए a और b दिया हुआ है, और जो फॉर्मूला यूज करना है a/b इज इक्वल टू b/c, सो यहाँ पे c मिसिंग है, बनाइए इसको क्या आ रहा है। कितना नंबर था, 0.64 फर्स्ट आएगा मैम, 0.64 पावर स्क्वायर, पावर हाफ किसका है, वाले में स्क्वायर कर लो, अगर अंडर रूट वाला टर्म स्क्वायर में आता है तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। हाँ ठीक है, 50 का आंसर ठीक है, 64.64। सुंदरम अभी क्यों एंटर कर रही है लड़की, सबसे थोड़ी ठीक था, पांच मिनट आठ मिनट का लग गया, ठीक है, समझ गए क्या है। मीन प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा, 234 एंड 104, हाँ 156 जो भी ऑप्शन में नहीं है, तो रन ऑफ दी अंदर रूट ए भी कर देना। हाँ हाँ सेम ही सिंपल है, रन ऑफ दी, हाँ ठीक है। अब ये तीन अगर समझ में आ गया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाओ। थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है टू दिस एंड दिस, मतलब ए बी दिया हुआ है तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो। ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है जो 50 में दिया है, बट एक्स वाई वाई के टर्म में दिया है, एक्स वाई के टर्म में दिया है, नंबर नहीं दिया है, बना सकते हैं, क्या दिक्कत है ना, बन जाए तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 51 देखो जरा, थर्ड एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई होगा 51 का, माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, यस मैम 51 50 है, एक्स माइनस वाई आ रहा है ऊपर, एक मिनट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ठीक है, चलो सही है। द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30 मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25 है। क्वेश्चन नंबर 52 बताओ तो, जिसका 51 हो चुका है वो। द रेशियो टू थर्ड प्रोपोर्शनल, रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 3, मतलब 12 एंड 3 वही दिया है, ए बी दिया हुआ है, 51 का सी आएगा मैम, किसका, 51 का मैम, 51 का सी आएगा, मुझे भी लग रहा है डाउट आना चाहिए। हाँ 51 देखो दोबारा से एक बार, जिसका हो गया वो 52 बनाओ तो जरा। नो मैम डी ही होगा मैम, डी ही होगा, एक मिनट रुको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस माइनस कैंसिल, एक्स प्लस वाई ऊपर आएगा ना, यस मैम, एक मिनट रुको मैम, एक्स माइनस वाई ऊपर होगा, एक्स प्लस वाई नीचे होगा, देखते हैं क्या टर्म है, ए बी ना, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस, सॉरी एक्स माइनस वाई है, एक्स प्लस वाई ना, यही वैल्यू है ना, यस मैम, एक्स माइनस वाई है मैम, अच्छा एक्स माइनस वाई है, एक मिनट ठीक है, एक्स माइनस वाई,
ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस मतलब एक्स मिसिंग टर्म, या फिर डायरेक्टली सी ही लिख लो इसको, ठीक है, एक्स लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब क्या आपको ये सी चाहिए, तो बाकी का सारा टर्म इधर लाइए, तो आपके पास बचा क्या, सी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू सिंपली आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर ऊपर तो आपका माइनस ही आएगा, ठीक है, हाँ स्क्वायर टर्म इधर डिनोमिनेटर वाला टूटेगा, तो आपके पास ये टर्म हटा के एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है तो आपका माइनस वाला टर्म खत्म, तो ऊपर डिनोमिनेटर में तो आपका प्लस बचेगा ऊपर, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई ब्रेक ही करके लिख लो, तो दिस विल कैंसिल दिस वन, अच्छा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक, तो ऑप्शन डी ही होगा, माइनस वाला टर्म नहीं होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 52 जरा देखो, तो बी 5:1 चलो ठीक है, यस मैम 5:1 एक बोलो, हाँ बंद कर दिए, कितना रहा है 75, रेशियो पूछ रहा है 75 का चाहेगा मैम, फाइव प्रोपोर्शनल 75 आएगा और मीन आएगा 15, तो उसको फिर ब्रेक करके 5:1 रेशियो बताना है, दोनों अलग क्वेश्चन दे ऐसे, एक मिनट क्वेश्चन चेक करो, मिला थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस मैम, मीन 15 आएगा और एक्स आएगा 75, मीन 15 और एक्स 75 आ रहा है, यस मैम 5:1 होगा मैम आंसर, ठीक है जो भी, स्क्रीन विजिबल है जो दिख रहा था, हाँ वही दिख रहा है जो दिख रहा था, चलो ठीक है, चलो आंसर आ गया सबका, ठीक है सुबह नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे, ठीक है। लोग कुछ सीक्वेंस में क्यों नहीं रखते हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न क्यों नहीं फॉलो करते हो मेंशन करने के लिए, देख हाँ बस फिर और सबका अपना अजीब ही, चलो ठीक है फिर।